हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमन रेंज वर्सेस बॉबी लैशली के मैच के विनर के बारे में और आज के रॉ के हाइलाइट्स रिव्यू के बारे में भी। दोस्तों, आज की रॉ काफी बेटर थी, बहुत सारे शॉकिंग थिंग्स हमें देखने मिले। आज के रॉ की शुरुआत की विंस मैकमैन ने और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्टेफनी और ट्रिपल एच को। स्टेफनी और ट्रिपल एच ने रॉ, स्मैकडाउन, एनएक्सटी, 205 लाइव सभी को अप्रिशिएट किया, प्लस उन्होंने लेडीज को भी अप्रिशिएट किया। और फिर स्टेफनी मैकमैन ने वो बड़ी अनाउंसमेंट कर दी कि एवोल्यूशन नाम का पेपर व्यू होगा अक्टूबर 2018 में, और ये पेपर व्यू होगा ऑल विमेन्स पेपर व्यू। इस पेपर व्यू में 50 से ज़्यादा विमेन कम्पीट करेंगी और इस पेपर व्यू का पार्ट पास्ट और प्रेजेंट की विमेन्स होंगे। फर्स्ट मैच बी टीम ने हराया डी लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड को, रिटेन किया अपना रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। साशा बैंक्स एंड बेली ने हरा दिया सेमंथा, सिमन एंड कैरन को। फिर हमें एक बड़ा सेगमेंट देखने मिला बिटवीन केविन ओवंस, बैरन कॉर्बिन, जिंदर महाल एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन, जहां पर जिंदर महाल ब्रॉन स्ट्रोमैन का गुस्सा शांत करवा रहे थे, तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन ने उन पर और सुनील सिंह पर अटैक किया। नेक्स्ट मैच में मिकी जेम्स ने हरा दिया नटालिया को। फिर हमें बैकस्टेज एक सेगमेंट दिखा कर्ट एंगल, स्टेफनी मैकमैन, बैरन कॉर्बिन और केविन ओवंस के बीच, और एक बड़ी मैच सेट हो गई समर स्लैम के लिए, और वो मैच है केविन ओवंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन, और मनी इन द बैंक ब्रीफकेस होगा ऑन द लाइन। नेक्स्ट मैच में मोजो रॉली ने हरा दिया टाइलर ब्रीज को। फिर हमें मैच देखने मिला फिन बैलर और ड्र्यू मैकिंटायर का। इस मैच के दौरान जब फिन बैलर टॉप रोप पर थे, तभी डॉल्फ ज़िगलर ने उन्हें लो ब्लो दिया और ये मैच डिस्क्वालीफाई हो गए। और फिर उसके बाद ड्र्यू मैकिंटायर और डॉल्फ ज़िगलर दोनों मार रहे थे फिन बैलर को, तभी सेथ रॉलिंस उन्हें बचाने आते हैं और अटैक करते हैं ड्र्यू मैकिंटायर और डॉल्फ ज़िगलर पर। फिर हमें एक टैग टीम मैच देखने मिलते हैं इनके बीच, सेथ रॉलिंस एंड फिन बैलर वर्सेस ड्र्यू मैकिंटायर एंड डॉल्फ ज़िगलर के बीच, जहां पर सेथ रॉलिंस एंड फिन बैलर की टीम जीत जाती है यह मैच। और दोस्तों, नेक्स्ट वीक के रॉ के लिए दो मैचेस सेट हो गए हैं। फर्स्ट है फिन बैलर वर्सेस बैरन कॉर्बिन और सेकंड है सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्र्यू मैकिंटायर, और समर स्लैम के लिए डॉल्फ ज़िगलर वर्सेस सेथ रॉलिंस फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की मैच सेट हो गई है। नेक्स्ट मैच एम्बर मून ने हरा दिया लिव मॉर्गन को। और फिर शुरू हुआ हमारा बड़ा मेन इवेंट रोमन रेंस वर्सेस बॉबी लैशली। बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ इनके बीच, दोनों ही मैन डोमिनेट कर रहे थे एक दूसरे को, स्पाइन बस्टर और समोअन ड्रॉप जैसे जबरदस्त मूव्स भी लग रहे थे। जब ये मैच चल रहा था तब हम गैस नहीं कर पा रहे थे कि कौन जीतने वाला है ये मैच, और ये मैच डेफिनेटली उनके एक्सट्रीम रूल्स मैच से काफी बेहतर था। मैच के एंड के दौरान बॉबी लैशली ने एक जोरदार स्पीयर दिया रोमन रेंस को, और फिर सब लोगों को लगा कि बॉबी लैशली जीत गए, दैट्स इट, पर रोमन रेंस ने टू काउंट पर ही किक आउट कर दिया। और फिर उसके बाद रोमन रेंस ने एक सुपरमैन पंच दिया बॉबी लैशली को, और फिर उसके बाद एक जबरदस्त स्पीयर दिया और उन्हें पिन करके ये मैच वो जीत गए। अब दोस्तों, रोमन रेंस बन गए हैं नंबर वन कंटेंडर फॉर ब्रॉक लेसनर एट समर स्लैम फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। मैच के बाद बॉबी लैशली और रोमन रेंस ने हैंडशेक किया और फिर रोमन रेंस सेलिब्रेट करने लगे। अब नेक्स्ट वीक दोस्तों, यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमें देखने मिलने वाला है और वो फेस करेंगे रोमन रेंस से। और रिटर्न की बात करें तो रोंडा राउजी भी आएगी नेक्स्ट वीक ऑन रॉ, क्योंकि उनका सस्पेंशन अब हो चुका है खत्म। और दोस्तों, नेक्स्ट वीक के रॉ में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर फेस ऑफ करने वाले हैं फिर से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में दो चीजों के बारे में बताइए। फर्स्ट, आपको कैसी लगी रोमन रेंस की आज की बड़ी जीत, और सेकंड, आपको कैसा लगा आज का मंडे नाइट रॉ, और क्या आप एक्साइटेड हैं रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के फेस ऑफ के लिए नेक्स्ट वीक ऑन रॉ। सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।